हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज के फिर से एक नए वीडियो में। आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर चुका हूँ रेडमी नोट 10 फ़ोन के बारे में गाइस। और अपना जो आज का टॉपिक होने वाला है साइड बैक बटन एंड साइड होम बटन, साइड मेन्यू बटन के बारे में। आप अपने फ़ोन में जो है मिरर बटन किस प्रकार सेटिंग को ऑन कर सकते हैं, उसके सेटिंग के बारे में बताने वाला। चलिए बात करते हैं। बात करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए गाइस। तो बन चलते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग में। जैसे कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिल जाएगा होम स्क्रीन का, तो आपको यहाँ पे जो सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन मिल जाएगा जिसके आगे लिखा है बटन, तो इसको आपको क्लिक कर देना है। देखिएगा, आप यहाँ पे जो है अपने फ़ोन का जो मिरर बटन को बदल सकते हैं। आप जो है साइड बैक बटन से कर सकते हैं। इसको मेरे को लर्न करना पड़ेगा, तो मैं इसको भी नोट नाउ कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए हो चुका है गाइस, देखिए साइड बैक बटन हो चुका है। इस प्रकार जो है अपने फ़ोन को जो है साइड बैक बटन से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं नोट ना हो गया था फिर भी स्टार्ट हो चुका है। आपको यहाँ पे विदाउट फुल स्क्रीन इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे इस जो है मिरर बटन के लिए। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो जो है आप इस प्रकार से अपने फ़ोन में जो है बैक बटन या मेन्यू बटन को साइड से कर सकते हैं। तो आपको सेटिंग का सिले ज़रूर बताइए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।